हेलो दोस्तों, यार मैं आपसे कबीर जी आदि और मैं आज फाइनली पल्सर NS200 BS6 में इसका रिव्यू करने वाला हूँ अपने चैनल पे। और आप सभी यार काफ़ी वेट कर रहे थे, काफ़ी मेरे को बोल रहे थे कि भाई NS200 का रिव्यू करो। और आप लोगों की एक शिकायत भी थी कि यार मैं बाहर जाके बाइक की वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर लिया वो चीज़ें। तो ठीक है, अब पल्सर NS200 के बारे में बातें करते हैं कि आपको क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है BS6 में, और इसमें क्या चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलती है, और एक दो कमी जो मुझे लगी वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में यार आप देख रहे होंगे इसमें अब भी हेलोजन लाइट ही आपको मिलती है, LED यहाँ पे ऑफर नहीं की जाती है। बाकी देखने में बुरी नहीं लगती है, काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लुक बाइक को देती है। इसके साथ ही ये नीचे जो आप लाइट देख पा रहे हो ये अभी तक सेम एज इट इज वही है, सेम इंडिकेटर है। बाकी बाइक की लुक यार कंप्लीट बाइक आप देखते हो तो कंप्लीट बाइक सेम है, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जो मेन फर्क है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, कैटलिटिक कन्वर्टर इसमें आ चुका है जो कि BS6 की सभी बाइक में आपको देखने को मिल रहा है उसी की तरह। लेकिन यार ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, मतलब वैसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। बाकी हाँ ठीक है, ये अभी सब में देखने को मिलेगा तो हमको इसकी आदत पड़ जाएगी। अभी जो भी नई नई बाइक आ रही है तो उनमें थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमें देखने की आदत नहीं है इस चीज़ को, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो बुरा नहीं लगेगा। इसके साथ ही इसमें अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो कोई और बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन मैं बाइक के बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बताने वाला हूँ क्या कुछ आपको इसमें चीज़ें देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर इसके मीटर के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको ABS की लाइट, जब इसमें ABS आया था ABS मिल गया था, उसके साथ ही अब इसमें आपको इंजेक्टर की लाइट भी देखने को मिलती है। जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाती है और कुछ टाइम बाद ही बंद हो जाएगी। तो ये इंजन चेक लाइट या फिर मालवी डिटेक्ट लाइट भी आप इसको बोलते हो, ताकि इंजन में या फिर FI में कोई दिक्कत हो तो आप इससे अपनी बाइक को चेक कर सकते हो, एजेंसी में चेक करवा सकते हो, आपको यहाँ से पता लग जाएगा इस चीज़ के बारे में। इसके साथ ही ये इसके मिरर है जो कि इसमें आते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा यार मैंने इस बाइक को टेस्ट राइड भी किया है, काफ़ी चलाया है मैंने इस बाइक को, तो मुझे इसमें क्या क्या अच्छा लगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो पावर, अगर आपको ऐसा लगता है कि पावर बहुत ही कम कर दी गई है बाइक में, तो यार हाँ पावर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको। बाइक थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ लगेगी आपको, फील होगा थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा फील होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ हुई है। थोड़ी सी पावर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ इंजन मिलता है जो कि वाइब्रेशन थोड़ी सी कम करता है, पहले से हल्की सी वाइब्रेशन कम हो गई इसमें, तो ये चीज़ इसके बारे में अच्छी है। इसके साथ ही मैं इसकी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूँ, इसके सस्पेंशन में यार देखो इस बाइक में आपको थोड़े से हार्ड सस्पेंशन मिलते हैं। ये आप जैसे सिटी के अंदर चलाते हो जहाँ पे रोड वगैरह हल्के से टूटे वगैरह होते हैं, तो आपको हर एक खड्डा होता है या फिर कोई भी दांची होती है आपको क्लियरली फील होती है, क्लियर फील होती है बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है। और लेकिन ये चीज़ें आपको हाईवे के ऊपर काफ़ी अच्छी लगती है, जब आप हाईवे के ऊपर इसको राइड करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है बाइक के ऊपर, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी सिटी राइडिंग के लिए सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट होते तो ज़्यादा बेटर होता, अगर सिटी में आप चला रहे हो तो। और इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके फ्रंट में आपको 300mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी है, और इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS इसमें नहीं है। तो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से बाइक अच्छी है, ABS आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, ये कॉस्ट कटिंग की वजह से आपको सिंगल चैनल ABS इसमें दिया गया है। इसके साथ ही फ्रंट में आपको 100/80/17 का टायर देखने को मिलता है, 100/80/17 का। और इसके साथ ही मैं रियर में आपको बता दूँ, इसके रियर में आपको 130/70/17 का टायर देखने को मिलता है, 130/70/17 का। और ब्रेकिंग की देखो, रियर में आपको 230mm की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और ब्रेकिंग में आपको बाइक से कोई शिकायत नहीं होने वाली, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार डुअल चैनल ABS क्यों नहीं आया। ठीक है ब्रेकिंग, क्योंकि स्पोर्ट बाइकों में मोस्टली फ्रंट ब्रेकिंग ही ज़्यादा यूज़ होती है। इसके साथ ही इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि BS6 में नया ऐड किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो जब भी इसको स्टार्ट करते हो और आप गियर लगाते हैं तो स्टैंड अगर लगा रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, चलेगी नहीं, गियर डालती बंद हो जाएगी। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने बाइक को स्टार्ट कर दिया यहाँ से, और जब हम इसमें गियर लगाते हैं स्टैंड लग रहा है आप देख सकते हो, और जैसे गियर लगाएंगे गियर लगाते तुरंत बंद हो जाएगी। ये एक सेफ्टी पर्पज के हिसाब से दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, इसमें सेफ्टी वाइज फीचर इसमें ऐड किया गया जो कि आप मोस्टली सभी BS6 में जो भी बाइक्स आ रही है उसमें आप देख पा रहे होंगे, सभी में ये चीज़ें ऐड कर दी गई है। और देखो एक चीज़ मैं आपको अभी बोलना चाह रहा हूँ, इसमें सीट हाइट की हल्की सी शिकायत अब भी है, मेरी हाइट लगभग 5 फीट 10 इंच है और मेरे को
थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो खैर नहीं करना पड़ता जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हाँ, अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच तक है तो आप इसे ले सकते हो, अगर इससे कम अगर आपकी हाइट है तो यार इसे प्रेफर मत करना। ज़्यादा अगर हाइट कम है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी बाइक के ऊपर, आपको काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपकी हाइट कम है तो। इसके साथ ही अब इसकी अगर बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, मैं ओवरऑल एक बार आपको लुक के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, लुक में अभी दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिला है। कैटलेटिक कन्वर्टर जो मैंने आपको बता दिया है, एक जो FI की लाइट है जिसको आप मान लो डिटेक्ट लाइट या फिर फ्यूल इंजेक्टर लाइट या फिर इंजन जैक लाइट जो भी आप बोलते हो, एक वो चीज़ है। एक यहाँ पे नया फीचर ऐड किया जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है, ये चीज़ इसमें ऐड की गई है, बाकी कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे नहीं है। इंजन के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ, इसमें आपको 200 cc का 200 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है जो कि फ्यूल इंजेक्टर के साथ आता है। इसके साथ ही अगर इसकी पावर फिगर की बात करें तो देखो, ये इंजन आपको 23.2 BHP की पावर, मतलब 23.2 BHP की पावर उसके साथ ही 18.2 Nm का टॉर्क देता है, मतलब 18.2 Nm का टॉर्क देता है। तो यार फाइनली ये बात कर लेते हैं कि बाइक ओवरऑल कैसी है और आपको लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए बाइक को। तो यार देखो, मैं सीधे वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप इस बाइक के ऊपर जाना। देखो, कंपटीशन की वजह से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर इसके कंपटीशन में जो मेन कंपटीशन रहता है इसका अपाची 200 4V, अगर आपको ज़्यादा फीचरफुल बाइक चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा फीचर मिले तो आप अपाची 200 4V पे जा सकते हो। बाकी मेरे को यार पर्सनली ये बाइक काफ़ी पसंद है और अगर मेरे को जाना हो तो मैं इसी पर जाऊंगा, क्योंकि यार पावर थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इस वजह से इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है 200 cc का जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अपाची में आपको अभी तक भी ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है जिसमें कि 5 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिलते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार भाई की वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, यार पसंद आती होगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और मस्त रहो।